मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका, आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेग स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कैसे जो है 498A की FIR में अगर आप जो है IO से हैरेस हो रहे हैं अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से, उससे जो है बचने का क्या तरीका है और कैसे जो है आप लीगली जो है जो ये हैरेसमेंट है वो रोक सकते हैं। देखिए क्या होता है, 498A का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है हैरेसमेंट के लिए होता है। हस्बैंड साइड को हैरेस करो और जो अपनी मन मर्जी से जो है सेटल करो केस को। तो ये चीज एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करती है 498A में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपको जो है हैरेस नहीं होना। और इधर जो है मैं आपको लीगल तरीके बताने जा रहा हूँ जिससे जो है आपकी जो है हैरेसमेंट है बिल्कुल कम या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब जब FIR होती है तो उसमें जो है जाने आने की दिक्कत होती है कि बार बार जो है IO जो है बुलाता है आपको, और आपको जो है उसी वक्त या मे बी एक दो दिन के टाइम के फ्रेम में आपको जो है उसे जाना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन जो है ज्वाइन करनी पड़ती है। अगर आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करोगे तो अरेस्ट के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो अब जो है इम्पॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि कितनी बार IO आपको बुला सकता है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। देखिए शुरू में तो मैं खुद ही रिकमेंड करता हूँ 2 या 3 बारी तो इम्पोर्टेंट है जाना, पर 3 बारी से बाद जो है अगर ज्यादा ही बुला रहा है और कुछ काम नहीं हो रहा कि पर्पस क्या है जाने का, वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रोल प्ले करता है। अगर आपको सिर्फ हैरेसमेंट के लिए बुला रहे हैं बार बार पुलिस स्टेशन, तो सबसे पहले तो आपको जो है इसमें एंटीसिपेटरी बेल जो है वो अप्लाई करना बहुत जरूरी है। आप अपने एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करिए। एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करने के बाद जो है आपका जो है अरेस्ट का तो चांस खत्म ही हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि बार बार फिर से जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बुलाता है, क्योंकि बेल मिलने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो बार बार जो है वो आपको फोन करता है, बुलाता है कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो। तो अब आप क्या करेंगे, आपकी बेल हो गई है, आप अब जो है अरेस्ट तो होगा नहीं, बट फिर भी IO आपको फोन कर रहा है, आपको बुला रहा है बार बार, और कोई पर्पस नहीं सर्व होता। इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन आपने कर ही ली थी और सारे जो उसकी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर ली, अब क्या प्रॉब्लम है, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अभी मैं आपको ये एक और चीज बताने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एक और चीज आप कर सकते हैं बेल लेने के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। बेल लेने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि आप जो है मॉनिटरिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि 156(3) में जो है एक एप्लीकेशन आवेदन दे सकते हैं। आप कोर्ट को ये बता सकते हैं, जनाब ये है कि मेरे को जो है बार बार जो है इन्वेस्टिगेशन में बुलाया जा रहा है और कोई इन्वेस्टिगेशन में कुछ ठोस चीज हो नहीं रही है, सिर्फ मेरे को बुला के बिठा दिया जाता है 2 या 3 घंटे 4 घंटे मेरे वेस्ट करने के लिए, और उसके बाद जो है कोई कार्रवाई पुलिस कर नहीं रही है कि मेरे को बुलाने का पर्पस क्या है, क्यों मेरे को बार बार बुलाया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन में, जबकि सारी चीजें मैं इनको दे चुका हूं। पर इसमें क्या होगा कि कोर्ट जो है इंटरफेयर नहीं करेगा, कोर्ट के पास पावर नहीं है इंटरफेयर करने के लिए इन्वेस्टिगेशन में, बट हाँ ये है कि IO को ये डायरेक्ट करेगा कि आप जो है इसमें FIR में ये स्टेटस रिपोर्ट फाइल कीजिए कि आप कर क्या रहे हैं, आप इस FIR में इन्वेस्टिगेशन में कर क्या रहे हैं, पर्पस क्या है अक्यूज को बुलाने का, अक्यूज के साथ क्या क्या पूछताछ की, ये सब चीजें जो स्टेटस रिपोर्ट के अंदर जो है आ सकती है। 15-15 दिन के अंदर जो है कोर्ट को वो स्टेटस रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा। वो ये होता है मॉनिटरिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है, इस पे मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आज ही मैंने वो आर्टिकल लिखा है, तो आप वो देख सकते हैं कि मॉनिटरिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन का क्या स्कोप रहता है। तो सिंपल भाषा में मैं ये समझाने जा रहा हूँ कि जो मॉनिटरिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो मॉनिटर की जाए 156(3) में, और जो है स्टेटस रिपोर्ट जो है कोर्ट के आगे समक्ष जो है पेश हो, ये एक चीज है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।